हेलो गाइस, वेलकम टू माय संडे व्लॉग। आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले अपना फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद टीथ ब्रश कर लिया है मैंने, देन यम्मी ब्रेकफास्ट। और जैसा कि आज संडे है, सफाई डे है, तो ये हमने घर क्लीन कर लिया है। ये हमारा ब्यूटीफुल किचन है। और आज तो बहुत सारे काम थे, हमने कमरा भी अच्छे से साफ कर लिया। और कल मंडे है, एग्जाम्स के बाद कल मेरा पहला दिन है। और चलो बैग चेक कर लेते हैं और पैकिंग कर लेते हैं। और अभी मैंने कोर्स में सिर्फ कॉपीज ली हैं, बुक्स नहीं ली, क्योंकि बुक्स आई नहीं है। चलो देखते हैं किस चीज़ की ज़रूरत है। और मैंने 7 क्लास पढ़ ली, अब मैं 8 में जा रही हूँ। ये सारे मेरे 7 के टेस्ट हैं जो मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं। चलो चेक करते हैं इस चेन में क्या है। और ये देखो कितनी प्यारी सॉफ्ट सॉफ्ट की चेन है। और ये मेरे पास जो मैट्री बॉक्स है, चलो उसकी हालत देख लेते हैं क्या हुई है। अभी तो मेरे पास ये बहुत पुरानी, लेट्स ओपन दिस। और ये अभी बिल्कुल नया है, मेरे पास सारी चीज़ें बिल्कुल नई नई है, क्योंकि मैंने इससे 7 में बहुत कम यूज़ किया है, इसका काम बहुत कम था। पता नहीं है मुझे 8 में काम आएगा भी या नहीं, देख लेते हैं। और इस चेन में देखते हैं क्या है। गाइज, यू लाइक माई वीडियोज़? इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो प्लीज़ टेल इन कमेंट। इस चेन में हमारे पास कैलकुलेटर है और ग्लिटर पेन्स हैं। लेट मी शो यू। ये जो कैलकुलेटर है, जो कि मैंने अपनी सिस्टर का चोरी किया है, ये जो इंटर की डिग्री ले रहा है उसके लिए ज़्यादा काम आएगा। मेरे लिए इतना काम का नहीं है, मेरे लिए सिंपल कैलकुलेटर भी चलेगा। Okay. चलो मैं आपको ग्लिटर पेंस दिखाती हूँ, जो मेरी मम ने मुझे गिफ्ट किए थे और मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत पहले के हैं, तो ट्राई करना पड़ेगा कि ये चल भी रहे या नहीं। लेट मी चेक, आई होप कि ये चलेंगे। चलो लिख के देख लेते हैं। चल रहा है ये, लेकिन बहुत लाइट लाइट चल रहा है। गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल को 1 मंथ हो गया और अभी तक मेरे 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए। प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, मैं इतनी मेहनत करती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। चलो मैं आप लोगों को अपना स्टेशनरी पाउच दिखाती हूँ। यह है मेरा फ्रोजन स्टेशनरी पाउच। चलो देखते हैं इसके अंदर मैंने क्या क्या रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने एक पेन और एक पेंसिल रखी हुई है, शार्पनर और रेजर रखा हुआ है। और ये पेन मैंने क्यों रखा हुआ है मुझे आज तक नहीं पता चला। एंड देन मेरे पास ये पेंसिल है, जो कि मैं प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ, मैथ प्रैक्टिस पे। चलो दूसरी चेन में देखते हैं। मेरे पास इसमें तो पेन है, जिसमें मैंने इंक भी नहीं डाली हुई है। चलो देख लेते हैं क्या है। बहुत सारे पेन हैं, रुको ज़रा, सब्र करो। चलो मकान को खाली कर दो जल्दी से। और मैं अपने आप आपको पेन दिखाती हूँ। मेरे पास हैं 2 हाइलाइटर, इसको यहाँ साइड पर रख देते हैं और इन चीज़ों को साइड पर कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को अपने पेन दिखाती हूँ। ये मेरे पास 2 ब्लू बॉल पेन हैं, इसको भी यहाँ रख देते हैं। उसके बाद है मेरे पास 2 ब्लैक पेन, और उसके बाद है मेरे पास 3 ब्लू पेन। इसमें से जो ये वाला है, ये वाला मेरा लकी पेन है, और ये वाला पेन मुझे बहुत पसंद है। ये थोड़ा हैवी पेन है, इसमें लिखते हैं तो हाथ में दर्द हो जाता है। इसकी जो निप है बहुत अच्छी है। और ये जो तीसरा पेन है, ये मेरा फेवरेट पेन है, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था फर्स्ट आने पर। इस पेन की निप भी बहुत अच्छी है, जब इसे लिखते हैं तो बहुत पतला लिखा जाता है, मुझे आई लाइक इट। चलो इसको भी यहाँ रख देते हैं। उसके बाद मेरे पास ये बिला वजह की एक पेंसिल, और ये ऐसे ही मैंने ब्लू कलर रखा हुआ है अपने पास। ये वाइटो है, ये पता नहीं चलता भी है या नहीं, चेक कर लेंगे बाद में। अभी तो उसको यहाँ पर रख देते हैं। और मेरे पास ये 3 कट मार्कर्स हैं, और इसको भी यहाँ रख देते हैं। और एक शार्पनर और एक रेजर है, ये सारी है मेरी स्टेशनरी। और हाँ, ये एक ब्लैक बॉल पेन भी और एक पर्पल पॉइंटर भी है। और ये मैंने पर्पल पॉइंटर इसलिए रखा है क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है। ओह, चलो इसको भी यहाँ रख देते हैं। अपने आप लोगों को अपनी नोटबुक दिखाती हूँ, यानी कि सर का दर्द। और मेरे पास है मैथ टेस्ट कॉपी, इंग्लिश, उर्दू एंड इस्लामियात एंड साइंस। और ये मेरी कॉपी, जिसमें से फर्स्ट नंबर पर है डायरी, जो कि पूरी खाली है क्योंकि मैंने इसे यूज़ नहीं किया। उसके बाद है मेरे पास ज्योमेट्री की कॉपी। डायरेक्ट दिखा देती हूँ, ब्लॉग ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। उर्दू ग्रामर, कंप्यूटर, सिंधी टेस्ट कॉपी एंड इंग्लिश ग्रामर प्लस एसएसटी।
और ये लास्ट में है मेरे पास पीरियोडिक टेबल, लेट मी शो यू। और ये मैंने अभी तक समझा नहीं है क्योंकि ये 8 मिनट पढ़ूंगी। और ये दिखने में ये अच्छा लग रहा है, समझने में इसमें भी सर में दर्द हो जाएगा। छोड़ो, मैं आपको अपनी स्केच बुक दिखाती हूँ। ये है मेरी ड्राइंग, आप लोग मुझे 10 out of 10 करें। यह है मशरूम हाउस और यह है कोका कोला की बोतल जो कि बिल्कुल गर्म लगी हुई थी। और यह है ब्रोकन हार्ट। और गाइस, ये मेरा हाथ है जिस पर मैंने मेहंदी लगाई। और गाइस, अभी रात हो गई है तो मुझे भूख लग रही थी और मुझे क्रेविंग हो रही थी रोल पराठे की, तो हमने घर पर बनाए रोल पराठे। सबसे पहले गाइस, आप लोगों ने लगा लेना है पराठे पर आलू का मसाला। उसके बाद आपने डालना है केचप, अच्छे से डालना है। तो टेस्ट के हिसाब से होता है, जिसको जितना केचप पसंद है वो उतना डालिए। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा केचप डालूंगी। उसके बाद डालना है अनियन। गाइस, आप लोग क्या चाहते हैं मैं नेक्स्ट व्लॉग किस पर बनाऊँ, आप लोग मुझे टॉपिक दें। Oh my god, this is look like pizza. और guys, आप लोगों को रोल पराठे पसंद हैं। इसके बाद डालेंगे हम बन गोभी विद मायोनीज। इसे अच्छे से रोल पराठे में पूरा पूरा फैला फैला देते हैं। उसके बाद क्या डालेंगे, गेस करो गेस करो। जी जी बिल्कुल ठीक गेस किया। इसके बाद डलेगा रायता। हाई रोल पराठे देख के मुँह में पानी आ गया है। अभी से टेस्ट करके बताएंगे कि कितना यम्मी बना है। चलो अब इसे कट करते हैं। यम्मी, सो टेस्टी, 10 out of 10। लुक एट द मून, हाउ प्रीटी इज इट। चलो जी, तो ये था आज का हमारा संडे व्लॉग। लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट व्लॉग क्या बताऊँ उसका टॉपिक भी आप लोग बताइएगा, आप लोगों की मर्ज़ी का मैं बनाऊँगी। और अभी मुझे सोना है जल्दी क्योंकि मुझे कल जाना है स्कूल। और आप लोग भी सो जाएं, आप लोग भी जाएं स्कूल और अच्छे से पढ़ाई करें। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा। जी जी, मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।